हूँ गाइस, कैसे हैं आप सब। तो यार वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो यार आज मैं आया हूँ। अच्छा भाई, पहले तो ये बता दूँ भाई, आजकल मैं अब ऐसे ही टी शर्ट में दिखूँगा तो भाई गर्मियाँ आ गई हैं, सर्दियाँ चली गई हैं। रात को थोड़ी बहुत ठंड हो जाती है लेकिन पूरे दिन गर्मी होती है, और गर्मी में लोग दो ही चीज़ ज़्यादातर पसंद करते हैं, एक आइसक्रीम और एक कोल्ड ड्रिंक। तो भाई आज मैं आइसक्रीम खाने आया हूँ। हैदराबाद की बहुत मशहूर है फखरी आइसक्रीम, और क्योंकि काफ़ी पुरानी है और इनके पास बहुत सारे फ्लेवर भी हैं जैसे वैनिला और क्रंच वगैरह, तो इनसे पूछते हैं और देखते हैं कौन सी अच्छी है। वैनिला, वैनिला क्रंच, वैनिला कैडबरी, चॉकलेट चिप्स, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, पाइनएप्पल, पिस्ता, पीच, मैंगो, चीकू, कीनू वगैरह, ये सारे इनके पास फ्लेवर है। यार ये सारे फ्लेवर्स हैं आइसक्रीम के। अच्छा ये फैमिली पैक है मेरे ख्याल से ना, फैमिली पैक है ये। पिस्ता वगैरह सारे रखे हुए, क्रंच वगैरह, और मैंगो भी है, चॉकलेट ब्राउनी है, और वनील पाइनएप्पल है, टूटी फ्रूटी है, ब्लूबेरी वगैरह, चॉकलेट चिप्स, पिस्ता। अच्छा अच्छा ब्रदर, कप वगैरह भी होते हैं। अच्छा यार ये सारे इन्होंने कप कर पहले से ही सेट करके रखे हैं साइड पर, ताकि कोई आए तो लेट ना हो, फौरन से दे दें इनको। और ये वही हैं सारे फ्लेवर जो भाई ने अभी बताए, और ये आगे और सेट करके रखे हुए हैं, ये मैंगो वगैरह। अच्छा मैंगो सारे सीज़न में होता है ब्रदर? बारह महीने होता है। अच्छा अच्छा सही सही, सीजनल अभी जब आएगा तो सीजनल आएगा। अच्छा अच्छा सही सही। अदर लोग कौन से फ्लेवर लेते हैं? चॉकलेट ब्राउनी, चॉकलेट ब्राउनी, यार ये चॉकलेट ब्राउनी सबसे मशहूर है, लोग ज़्यादा लेते हैं। स्ट्रॉबेरी चीज़ केक लोग लेते हैं। ये क्रंच है। अच्छा मैंने भी ये खा के देखा, क्रंच क्रंच की तो बात ही अलग है। मैंने अच्छा कुल्फा भी है, कुल्फा भी दादी का। हाँ ये कुल्फा मैंने, ये भी खाया मैंने यार, कुल्फा, कुल्फा भी वाकई अच्छा होता है। कुल्फा फुल टाइट ठंडा होता है और बिल्कुल जमा होता है, खाने में मज़ा ही आता हो। अच्छा ब्रदर कप की क्या प्राइस है और उसकी फैमिली पैक की क्या प्राइस है? साठ ही कुल्फी है, सौ रुपये का कप है और साठ ही कुल्फी है, और फैमिली पैक की कितने के? 300 वाले, 350 वाले। अच्छा मतलब 350 मैक्सिमम है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। भाई इनकी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आइसक्रीम है, पूरे हैदराबाद में इनकी ऐसी आइसक्रीम कहीं भी नहीं मिलती है। ये करंजी फ्लेवर कहीं नहीं मिलता इनके अलावा, एक टाइम पे इनके खा रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी इनकी ये कुल्फी आइसक्रीम, कुल्फी सब वगैरह अच्छी है। कितने होगा ब्रदर? 300 के लिए। हमारे ये चॉकलेट ब्राउनी, अब इसको टेस्ट करके देखते हैं कैसा है कैसा नहीं है। तो यार इसमें थोड़ा चॉकलेट का टेस्ट और चॉकलेट के वो छोटे छोटे क्रम्स नहीं होते वो डाले हैं, वो भी मज़ेदार हुए, और इसके साथ हल्का हल्का कॉफ़ी का टेस्ट भी आ रहा है। तो भाई जिसको पसंद है चॉकलेट ब्राउनी वो टेस्ट करे, उनको ज़रूर अच्छी लगेगी। ये काफ़ी मज़ेदार है, और चीनी का यार इन्होंने बहुत ख्याल रखा हुआ है, बहुत दरमियानी डाली, ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है। तो जिसको मीठा कम पसंद है या नॉर्मल पसंद है वो आके टेस्ट करें, उनको ज़रूर अच्छी लगेगी। ये क्रंच फ्लेवर है, जब भी हम लोग घर में दावत वगैरह करते हैं तो यही फ्लेवर मंगाते हैं ज़्यादातर। तो मुझे तो पता है इसका टेस्ट कैसा है, लेकिन अभी आप लोगों को रिव्यू देने हैं तो इस वजह से मैं और टेस्ट करके बताता हूँ कि कैसा है कैसा नहीं है। तो भाई अभी तो ये बिल्कुल जमी हुई है, और यही मज़ा है आइसक्रीम का कि बिल्कुल जब टाइट फ्रीज हो और तब खाने का इसका मज़ा ही अलग होता है। यार क्रंच के ऊपर ये पता नहीं क्या फ्लेवर डालते हैं लाल कलर का, वो उसको है ना थोड़ा सा और मीठा देता है। जिसको तेज़ पसंद हो ना मीठा
वो क्रंच ट्राई करें, क्योंकि मेरे घर में तो सभी मीठा तेज़ खाते हैं और मुझे भी अब आदत हो गई तेज़ मीठा खाने की, तो मुझे भी क्रंच पसंद आती है। तो जिसको पसंद है भाई तेज़ क्रंच, ओ तेज़ मीठा, तो वो क्रंच ट्राई करें। तो भाई आज का यही ब्लॉग था, अगर पसंद आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कॉमेंट करना, शेयर करना। और मैं बता दूँ ये है कहाँ यार, ये सदर में बोरी बाज़ार है ना, उसमें है काका बेकरी, काका बेकरी के बिल्कुल सामने है फखरी आइसक्रीम। और मैं इनसे और एग्जैक्ट पता कर लेता हूँ कि कहाँ है ब्रदर, ये पता बताएंगे थोड़ा सा किस तरह पता। मेन सदर में काका बेकरी के बिल्कुल सामने फखरी आइसक्रीम है। और दूसरी कासमाबाद में, कासमाबाद में कहाँ ब्रदर? अच्छा सामने वाली पट्टी पे, सही है मैं समझ गया, मतलब मेन वादुआ पे और कबाब घर है, और मेरे ख्याल से पकौड़ा चौक से पहले, पकौड़ा चौक से पहले है तो इसकी दूसरी ब्रांच, वहाँ सेटिंग का भी है, वहाँ सारा आप बैठ भी सकते हो। तो भाई जिसको खानी है वो विज़िट करे, चाहे यहाँ की करो या वहाँ की करो, खाओ ज़रूर, क्योंकि भाई मुझे तो अच्छी लगती है और बाकी सबको भी, जो भी जो आके खा के गया सबको अच्छी लगी है माशाल्लाह से। तो आओ और ट्राई करो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, सब्सक्राइब कमेंट और शेयर ज़रूर करना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह।